सभी को बाबा का आशीर्वाद आशीर्वाद कभी काम नहीं करते और उसमें भी लोग बाबा का असीम कृपा आशीर्वाद है सभी को। आज के सत्संग में प्रश्न आया हुआ है मन को कैसे नियंत्रित करें और चित्त को के लिए बहुत सहज और सरल उपाय है। बस में नहीं मन से अलग आप हो सकते हैं, बस में करना संभव नहीं। हाँ एक प्रकार से संभव हो सकता है, जिसका जीव जीवा और दसों इंद्रियां बस में हो गई, जीवा अर्थात स्वाद और दसों इंद्रियां जननेन्द्रियां और कर्म बस में हो गया हो, उसका मन बस में अन्यथा सीताराम सीताराम तो जो बाबा ने बताया आज भी मैं वही करता हूं और पूर्णतया सफलता है गुरुदेव की कृपा से, उनकी असीम कृपा। तो ये प्रश्न था आपका मन को नियंत्रण किस प्रकार से आप मन को नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि चित्त को कैसे साधे। जय सिया राम जय सिया राम। अब चित्त को साधने की बात है, ये प्रश्न ही गलत। अगर आपके पास मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा बिल्कुल शांत है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो पर्दे के पीछे जीव अंग्रेजी में सेंस के द्वारा उसका अनुभव किया, जीव दुख को भी अनुभव कर लेता है सुख को भी अनुभव, और वो किसके माध्यम से चित्त के माध्यम से अहंकार के माध्यम से मन मन नहीं बुद्धि के माध्यम से। चित्त तो स्वतः शांत है, बिल्कुल शांत है, जिसको साधना नहीं है आप, चित्त की संगति करनी है, साथ करनी है। जब आप चित्त की साथ और संगति करेंगे तो आप सधर जाएंगे, समझ रहे हैं जी सरकार। जब आप चित्त की संगति करेंगे तो आप सदा जाए, चित्त तो सदा हुआ है, उसको साधने की आवश्यकता नहीं। जैसे अग्नि के पास जाएंगे तो गर्मी लगेगी, बर्फ के पास जाएंगे तो ठंडा लगेगा,
ऐसे ही चित्त के पास जाएंगे तो जो उसके पास है वो आपको प्राप्त हो। उसके पास है क्या? शांति, सुख, आनंद, चित्त को साधने की जरूरत नहीं, सिर्फ चित्त के संपर्क में आने की जरूरत। जैसे ही आप चित्त के संपर्क में आते हैं आपके सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सब आप जब ये शांत हो जाते हैं तो चित्त और आप सुना है कहावत में, भाई आ जा रहा मुझे जरा बातचीत करना। बातचीत बात तो करता है आदमी लेकिन चीत करता नहीं, इसीलिए उसका बात और चीत अधूरा रहा, हल नहीं। अगर बात के साथ चीत हो जाए, एक अर्थात विचार, गहन विचार, जब उस पर चिंतन हो जाए बात करने के बाद, तब वो जाकर के बात और चित्त हो। चित्त को साधने की जरूरत नहीं, चित्त सधा हुआ है। आपको उसके संपर्क में जाना, आपको उसके साथ में रहना, साथी बना। फकीर लोग गाते, संत लोग गाते, लग जा रे चेत राम चरण है, लग जा रे चेत राम चरण, राम चरण सुखदायक है, राम चरण सुखदायक है। तो ये चित तुम राम के चरण में लगे, अर्थात जो इष्ट है, जो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, जिसका सभी चिंतन करते हैं, उसमें लग। तो चित अकेले नहीं लगेगा, जिसने कहा उसको लेकर ही लगेगा वो, क्योंकि चित किसी का उधार नहीं लगता। चित हमेशा निर्मल है, वो सधा हुआ है। मैंने पिछले उपदेश में बोला था चित्त चोर, भगवान क्यों चित्त को चुराता है? क्योंकि उसके योग्य है। भगवान को चितानंद क्यों कहा गया? क्योंकि चित्त को आनंद देता है वो, चित्त उसके लायक है और चित्त में ही आनंद आता है, आपको नहीं मिलता। अगर आप मन, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से चल रहे हैं तो आपको प्राप्ति ही नहीं होगा उसका आनंद। वो आनंद तो चित्त को ही मिलेगा, और अगर आप चित्त के संपर्क में है, साथ में है, तो थोड़ा सा जरूर है। और वो थोड़ा ही एक घड़ी आधी घड़ी आदम में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरत कोटि अपराध। थोड़ा सा भी अगर उसकी संपर्क प्राप्त हो जाए, अनुभूति पूर्ण प्राप्त हो, और थोड़ी देर के लिए भी हो जाए, बड़ी आनंद हो। तो चित्त को साधने की आवश्यकता नहीं, सदा हुआ है।
संपर्क करना है। अभी आपके ऊपर है कैसे संपर्क करेंगे। संतों ने कहा तू तो बड़ी दूर बैठा, कैसे करूं संपर्क रे। जो भी पढ़ूं जो भी लिखूं उपजे नई तर्क रे। नया तर्क आया तो संपर्क मंत्र के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सत्य के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, इनमें से किसी एक को पकड़ ले तो सब साथ में हो जाए। बाबा ने बताया हमें कि बच्चा साधु किसको कहते, जो चित्त के संपर्क में है वही साधु है। और संत सोई जो काया साधे, तज आलस अरु बाद विवादे, कहे धारणा सब गति भारी, तजे विकलता अस्तुति गारी, दयावंत धीरज को धारे, पाचो वश कर मन को मारे, जब सोवे तब शून्य में, जब जागे हरि नाम, जब बोले तो हरि कथा, भक्ति करे निष्काम। इसको साधु कहते। ये बहुत सारी चीजें, संत सोई जो काया साधे, तज आलस बाद विवादे। तो बाबा बोले बच्चा अगर इनमें से एक भी पकड़ में आ जाए तो वो साधु बन जाए। एक को भी साध ले, एक की भी संगति कर ले तो वो साधु। जब सोवे तब शून्य, शून्य अर्थात चित्त, शून्य अर्थात निर्विकार, चित्त निर्विकार गया। चित्त जो है ये निर्विकार, इसीलिए कहा जब तो सोवे तब शून्य, जब जागे हरि नाम, जागने पे हरि का नाम, जब बोले तो हरि कथा, अब करेंगे। इस प्रकार चित्त जो है उसको साधने की जरूरत नहीं, सिर्फ चित्त से।
दूध है, कच्चा दूध फट जाता है ज्यादा देर तक, गरम किया हुआ दूध लंबा समय चलता। जो गुरु मुख नहीं है, जो विमुख है ईश्वर से, वो फटे हुए दूध है। जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं गरम दूध है, टिके हुए हैं, और दही गरम दूध से ही बनती है, समझ रहे हैं ना? जी सर। और मक्खन दही से ही बढ़िया निकलता है, क्रीम जो है ना, दूध वाला क्रीम, फ्रूट क्रीम बना सकते हैं, लेकिन मक्खन का स्वाद का नाम क्रीमी है, मक्खन नहीं कहा जाता। ब्रह्म में मत पड़िए, मक्खन से ही घी निकलता है बढ़िया। मक्खन के घी निकला हुआ साल 10 साल भी खराब नहीं हो, क्रीम का घी निकला हुआ 1 महीने बाद गंध ही बदल जाता, दुर्गंध सी होने लगती। तो यही फर्क है, दूध फटे ना उससे पहले ही उसको गुरुदेव के संपर्क में दे देना चाहिए, ईश्वर के संपर्क में दे देना चाहिए, गर्मी बनी रहेगी। कोई आएगा और जामन डाल देगा उसमें, तो इस प्रकार से चित्त की संगति करिए, संपर्क में आइए, और चित्त को जब उसके संपर्क में आएंगे तो स्वाभाविक आनंद देगा, आपके अंदर जो विकार है वो निकाल देगा। आज के सत्संग इतना ही रखेंगे, हमारे ख्याल से अब आपको चित्त की समझ आ गई होगी, और नहीं आएगी तो और समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा हमेशा आपके साथ हैं, बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, और हम भी आपके साथ हैं। जय हो। बाबा का खूब अच्छी कृपा आशीर्वाद है आप लोगों को, ऐसे ही आनंद लीजिए, ऐसे ही प्रसन्न रहिए, गुरु मंत्र का चिंतन करिए। आप मन नहीं है इसलिए मन से जुड़िए ही मत, बोलिए भाई अपना काम कर, जुड़ना है तो चित्त से जुड़ो, जो आनंद दे। गुरुदेव का आशीर्वाद। राधे राधे। 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आप लोग को छुट्टी मिलेगी। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री 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 राम इस प्रश्न को लेकर के मुझे 6 महीना यही आषाढ़ का महीना था। दर्शन करने जाते थे हम लोग 70-80-100 के झुंड में साधु जाते थे सब। एक लाइन लगती थी कोई जा रहा है। रास्ते में पूछते साधु साथ क्या मिला, बोले आम मिला है, बोले केला मिला है। बच्चे थे, कभी कभी प्रसाद की भी जरूरत होती, आम का सीजन है चलो आम मिले। आम ऐसे बहुत पेड़ था वहां पे, आज भी हमारे पाँव में इच्छा है बेल खाने का। ऊपर बेल पे चढ़े, बेल का कांटा फाड़ दिया था, तो बड़ा चंचलता भी थी। बच्चे थे, इस प्रश्न को लेकर के मैं 6 महीने तक जब भी बाबा के दर्शन करने जाए हाथ करके हे देवरा बाबा, हे देवरा बाबा हमारे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, जय सिया राम जय सिया राम सब कीर्तन करते थे, कीर्तन करते और मन जो है इसी प्रश्न में देखते रहते बाबा को। जैसे महात्राटक जवाब, आषाढ़ का महीना गुरु पूर्णिमा नजदीक था, साधुओं की संख्या बढ़ने लगी। जब गुरु पूर्णिमा होता था उसमें 3,000-4,000 साधु जैसे कुंभ लग गया, पूरे भारत इतने बाबा के शिष्य तक पहुंचते, साधुओं का आना शुरू हो गया। फिर शुरू हाथ जोड़ कर और हम लोग तो सब नए, एक तो लंबे लंबे बड़े बड़े जटा बड़ी बड़ी दाढ़ी साफ लगाया, कोई लंगोट लगाया, कोई लोहे चैन का लंगोट को कमर में अड़बंद लगाया है, कुछ लगाया है। अजीब अजीब त्यागी बैरागी और तपस्वी महात्मा, और हम लोग को सबसे पीछे। जब छोटे छोटे साधु नए नए थे, कोई आगे आ जाए साधु दिखाई नहीं देता, सरकार दिखाई दे पीछे। अब क्या देखो, बाबा दिखाई ना, अब दिखाई दे तो उनके जो है पीठ दिखाई दे और बड़े बड़े भोचम दिखाई दे महात्मा। चलो जो भी है आंख बंद करके चुपचाप खड़े रहते, अगर पीछे और पीछे चले जाओ, पीछे कोई देखा है पीछे क्या कर रहा है, इधर लाइन में आगे जाओ तो परेशानी, पीछे जाओ तो परेशानी। तो मन तो हम लोग का ऐसे ही अपने डर के मारे कंट्रोल में रहता था, कहाँ कब है हो जाए क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अब भय से भी मन एकत्रित हो जाता, मैंने ये प्रश्न हमारा चलता रहा चलता। कुछ दिन की घटना है, घटने उस दिन की घटना की बात बता रहे हैं। मैं पीछे खड़ा आत्माओं के बीच, ऐसे ऐसे बाबा को देख रहे ऐसी आराम चल रहा था। कभी महात्मा का ये थोड़ा हाथ ऐसे कर दे तो बड़ा खुशी हो जाए, बाबा दिखाई देते। फिर से आगे फिर इधर से देखें, बाबा बोले बच्चा तुम साधु लोग सब ठीक हो? सब ने बोला जी सरकार। बच्चा भजन साधन ठीक चल रहा है? जी सरकार। अच्छा बच्चा साधु लोग को प्रसाद दो, जो साधु सेवा में रहते थे गोकुलदास जी महाराज थे उस समय हमारे बड़े गुरु भाई राम शंकर दास जी थे, प्रसाद दिया छुट्टी। अच्छा बच्चा जा भजन। उस दिन घटना में क्या हुआ,
बाबा ने पूछा, अरे बच्चा तुम सधुइया में से कोई साधु कुछ पूछना चाहता है? सब साधुओं का सकना नहीं सरकार, कृपा चाहिए। और पता नहीं मैं इतने साधुओं के पीछे था, मेरा सर ऐसे नहीं हुआ, लेकिन गुरुदेव ने देख लिया कि किसी का सर हिला नहीं। बाबा ने बोला, अरे बच्चा कोई साधु तुम में से कुछ पूछना चाहता है? फिर सब ने बोला, नहीं तरका। अरे बच्चा उधर पीछे छोटे छोटे साधु हैं, तो भैया इधर आओ बच्चा, तुम लोग अब तो ऐसे फट गई जैसे हम साधुओं की लाइन फटी। हम लोग आगे डरते हुए ऐसे कांपते हुए आगे पहुंच गए। छोटे 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 करीब होंगे 40-50 साल। बच्चा तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो? अब वहां जाके मेरी गर्दन में नहीं, घर के बारे पति नहीं हुआ। बाबा बोले, अरे बालक किधर? मैंने देखा बाबा ने हमें बुलाया, फिर मैं इधर देखने लगा कुछ लोग को बुलाए होंगे। डर के मारे इतना बाबा, मैंने बोला, फिर बोले साधु हमारे बगल वाले बोले, अरे हमें नहीं तुम्हें बुला रहे सर। बोलो हमें कहा नहीं। बाबा ने बोला, अरे बालक तुमको ही बोल रहे हैं, इधर आओ। बालक साधु तुम्हारा नाम क्या है? हमने अपना नाम बताया। बच्चा तुम कुछ पूछना चाहते हो? हमने हाँ भी किया और फिर ना भी कर दिया। जान के मारे पता नहीं क्या होगा, पीछे वाले साधु क्या करें, फिर हो सकता है जाके न लगे बड़ा पूछने वाला बन गया और फलाना निकाला। बाबा हम मुस्कुराए, वो मुस्कुराहट आज भी मुझे याद। इतना सुंदर मुस्कान, गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अरे बच्चा तू कुछ पूछना चाहता है तो पूछ। वहीं पे गोकुल दास जी महाराज जी के खड़े थे और बोले, बालक भगवान पूछो पूछो, क्या बोलना है बोल। अब जब उन्होंने बोला तो मेरे ताकत मिली, मैंने धड़ा धड़ सब सुना दिया। सरकार मंत्र बोले, फिर हमारा उंगली सुखा फलाना हुआ ठिकाना हुआ। राम जी को बताते हैं सेना में बंदर लोग, जब लंका पे विजय किए भगवान, तो विभीषण जी बोले, महाराज इतने सारे रत्न खजाने हैं, इनका मैं क्या करूं, ये आपको समर्पित करता हूं। भगवान ने बोला, हमें नहीं चाहिए, हमें तो विभीषण चाहिए था, वो मिल गए, हम इन चीजों का क्या करें। तो उन्होंने बोला कि विमान में भर के सब छिड़क दो, जिसको जो चाहिए वो दे। अब विभीषण जी ने वही किया। अब बंदरी सेना जो है उनको रत्न का क्या करना, बोले कि कोई मुंह में से तोड़ कर रहा है, कोई गले में पहन के, कोई हाथ में पहन के जमर जमर खा रहे भगवान। भगवान बहुत दुखी हंस रहे, उनको देख देख के आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही गुरुदेव हमारे प्रश्नों को सुन के आनंद ले रहे। जब हम बोल लिए तो हमने सोचा मैं कहीं ज्यादा बोल गया हूँ, फिर मैंने देखा सब चुप है कोई, फिर मैं चुप हो गया। जब चुप हो गया तो बाबा बोले, और कौन बात है बच्चा? तो हमने इधर उधर देख के बोला, नहीं सर का। तो बाबा ने कहा, बच्चा सबसे पहले हमारे पास तुम सिर्फ हमारा था, बच्चा हमारे अंदर राम लक्ष्मण जानकी हनुमान भरत शत्रुघ्न शत्रुघ्न राधा कृष्ण नरसिंह वामन परशुराम वराह कश्यप जितने अवतार हैं भगवान के, शिव, सब हमारे अंदर ब्रह्मा करते हैं। अच्छा मेरे ही ध्यान में तुम्हें सबकी प्राप्ति हो।
दिन के बाद मैंने सबका ध्यान बाबा का, फिर अपने आप आने लगे सब, थोड़े दिन बाद सब सही सलामत दिखने लगे। कभी कभी चली जाती है ना, उसके लिए मैंने अयोध्या से फोटो मंगवाया एक साधु को, आश्रम में भंडारा हुआ दक्षिणा जोड़ के रखे थे, एक अयोध्या जा रहे थे साधु, मैंने बोला अयोध्या जा रहे हैं, बोले हाँ, बोले हमने पूछा कितने दिन में आएंगे, बोले आ जाएंगे। हमने कहा राम भरोसे, तो हम लोग का लैंग्वेज दूसरा होता था साधु, तो हमने कहा अपने राम को राम जी का सभी चाहिए, तो बोला कि अपने राम क्या करे भाई, हमने कहा ये पैसा इकट्ठा किया है हमने, आप जा रहे हैं अयोध्या जी, मेरे लिए राम जी लक्ष्मण जी हनुमान जी किसमें चारों मूर्तियों का तोला, बोले कितना रुपया है दिखाओ, तो पैसे ही पड़ा हुआ था इकट्ठा किया, हमने कहा ये, बोले सब देना है, कहा ले जाइए सब, बोले हाँ किराए विराए के काम तो आए, चल निकाल दे लिया उन्होंने छवि भी ला के दिया, उसके बाद भी वैसे ही थे। बाबा ने कहा मेरा ध्यान, फिर हमने प्रश्न, गुरुदेव हमारा मन अस्थिर रहता, मन बस में नहीं होता, उस समय बाबा ने उत्तर कि बच्चा मन को वश में करने की चेष्टा मत कर, बच्चा बड़े बड़े ऋषि मुनि कंद मूल फल फूल हवा पीके रहते थे, कोई पानी चीज के तपस्या करता था, कोई सूखा पत्ता, कोई हरा पत्ता, कोई कुछ, इन सभी ऋषि मुनि अपने मन को बस में नहीं किया, और बच्चा तुम लोग तो दूध घी मक्खन मलाई दुनिया भर के मेवा स्थान सारा चपड़ चपड़ खाते हो, तुम्हारा मन कैसे बस में हो, मेरे चेहरे को देखा बाबा ने, मेरा चेहरा एकदम लटक गया कि अब तो मन तो कभी बस में होने वाला, अभी बस में नहीं होगा, भगवान मिलने वाले नहीं, भगवान मिलेंगे नहीं तो साधु बनने का फायदा क्या, बाबा समझ गए पढ़ गए हम, बाबा बोले बच्चा परंतु मैं एक उपाय बता, उससे तुम्हारा मन सहज में ही तुम्हारे पास, बस में नहीं तुम्हारे पास आएगा ही, मैंने गुरुदेव की तरफ देख, बाबा ने कहा बच्चा तुम और तुम्हारा मन दो हो, हमने कहा जी, तो बच्चा जब तुम माला जाप करते हो तो कहाँ जाता है तुम्हारा मन, तो मैंने बोला सरकार पहले तो जाता था दादी के पास, घर की याद आती थी ना बच्चे थे, दादी फलाना ढिकाना इसका उसका, उसके बाद अब आश्रम में रहने लगे, तो आश्रम में तमाम दादा दादी हो गए, कोई डांट दिया कोई बोल दिया कोई क्या किया वही सब, तो बाबा बोले बच्चा इन सबको चलने दो, तुम और तुम्हारा मन दोनों अलग, तुम अपने कार्य को रोक करके जाप मंत्र आदि साधना को रोक करके मन को बस में करने की चेष्टा करो, अर्थात तुम अपना समय बेकार में व्यतीत, इसका कोई मतलब नहीं, हल नहीं, बच्चा अब से ऐसा करना
कि जाप करने से मन को पहले ही मन को बोल देना भाई तू अपना काम कर, मैं अपना काम, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, मैं भगवान के सन्मुख हूँ, ये संसार पीछे छूट गया और तू अपना जाप। एक माला, दो माला, तीन माला, चौथे माला में तो मन कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलता, कुछ दिखाई ही नहीं देगा, सुनाई ही नहीं देगा कि मन नाम की कोई चीज है। ऐसा भी होता है, कई बार होता क्या है कि मन की गति से चलने वाले व्यक्ति मन तक ही उतर जाते, बहुत सी बातें ऐसी होती है जो गति समझ में नहीं। यही प्रश्न हमारा बचपन में था, जब मैं नया नया साधु बना होगा करीब उस समय हम होंगे साल डेढ़ साल दो साल पुराने साल, गुरु मंत्र दीक्षा हो गया, बाबा ने बोला बच्चा 30 माला नियम से गुरु मंत्र का जाप, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी का ध्यान, माला मिल गया, झोली मिल गया, लंगोटी मिल गया, साफी मिल गया और भेड़ का कंबल मिलाए। अगर शरीर पे रखो तो ऐसे लगे जैसे कोई चुभ रहा है, उसमें बहुत सारे ना कांटे काटे, क्योंकि शरीर का चमड़ी मुलायम था। फिर धीरे 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 अपना 10 दिन 15 दिन में मित्रता हो गई कंबल से, क्योंकि मैंने बोला कि भाई चुभो या ना चुभो, रहना तो तुम्हारे साथ ही है, ठंड लगेगी तो उतना तो तुम नहीं, उसी कंबल को ओढ़ते थे रात को, दिन में उसी का आसन बनाया, उसी पे ध्यान भजन। माला तो जाप शुरू में तो ऐसी लगा जैसे माला मिल गया है कोई हिमालय पर्वत, जाप करते करते देखते रहे माला खत्म ही नहीं होने, कई बार तो मनिया देखे कहाँ रह गया तुम्हें भी। कुछ दिन तो हाथ में उंगलियों में बड़ी दर्द होगा, धीरे धीरे हो गया, फिर माला को टटोलते रहे किधर गया भाई सुमेर, कहा एक माला, दो माला, तीन माला, ऐसे रहे एक एक माला जो है खूब लंबा लगे। चलो धीरे धीरे माला संभला, माला संभाले, अब इधर देखें आंख तो बंद करके राम जी खड़े हैं, धनुष भी है हाथ में, राम जी को खड़ा किया, फिर लक्ष्मण जी को लाए, फिर माता जानकी को लाए, हनुमान जी आए, तब तक पता चला लक्ष्मण जी गायब हो गए, फिर पकड़ो उनको, अरे भैया लक्ष्मण भैया कहाँ जा रहे हो, फिर पता चला माता जी चली गई रसोई में। तो माला के साथ और इन चीजों के साथ ऐसी द्वंद युद्ध चली कई महीनों का, कभी भी ध्यान निरंतर युद्ध चल रहा है मन में और हमारे में, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि चारों मूर्ति इकट्ठे, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी और हनुमान जी चारों इकट्ठे रहे। बड़ी मुश्किल से मुझे याद है आज भी कि मैंने एक दिन चारों को इकट्ठा देखा, मन को बड़ा शांत, बड़ी तसल्ली। फिर मैंने देखा हनुमान जी का पूछ ही नहीं है, अब उनका पूछ बनाया मैंने मन से, जब पूछ बनाया तो देखा गदा ने गदा होनी चाहिए, गदा पीले रंग का होना चाहिए हनुमान जी, तो उतने करते करते जनेऊ होना चाहिए, कांधे मुझे जनेऊ साधे,
अब इन चक्रों में ऐसा उलझ गए हम, अब पूछे तो किससे पूछे, कोई साधु से पूछे कि महाराज जी राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी का चारों इकट्ठे कब होते हैं, कैसे होते? बोले साधु बनने तुमको असल नहीं है, चारों का एक साथ ही ध्यान किया कर, कैसे ध्यान करें चारों मिले तब तो, अरे तुम्हारा कुछ पुण्य पूर्व जन्म का पाप उदय हो इसीलिए तुम्हें ध्यान नहीं करना, कहे भगवान इनसे तो पूछना भी श्री राम और नए साधुओं को बड़ा प्रसाद से था, जैसे कुत्ता होता है ना आश्रम में, कुत्ता और दया साधु दोनों की एक ही गति, कहीं इधर बैठ गया पालक भगवान चलो उधर बैठो, इधर कैसे बैठ गया बिना पूछे को, और एक महात्मा नहीं सात आठ सौ महात्मा साधुओं के बीच में हमेशा डर ही लगा रहे, कहां पता नहीं कब क्या हो जाए, किससे डांट पड़ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन दर्शन करने नीचे जा सकते हम लोग बाप शाम को साढ़े चार पांच बजे नहा धोवा देते थे, शाम का सीधे हम लोग भागते थे बाबा के दर्शन, दर्शन करके और वहां से छह बजे तक वापस, जहां हम लोग रहते थे वहां से मचान बाबा का मचान और वो सवा किलोमीटर एक किलोमीटर की डिस्टेंस पे। अब मेरे मन में ऐसी उत्कंठा, ये प्रश्न लेकर के मैं दिन रात गुरुदेव से पूछा, बाबा फिर वहां महंत जी थे, जिनके पांव दबा रहे थे चरण दबा रहे थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने प्यार से समझाया, बच्चा भगवान का ऐसे पीताम्बर पहने हो, ये है ऐसे हो, उसे धनुष होना चाहिए, तर्कस होना चाहिए, तर्कस में कम से कम पांच बाण होना चाहिए, अब इतना कठिन काम है, भगवान का ध्यान करो और धनुष होना चाहिए और धनुष तर्कस होना चाहिए, पांच बाण होना चाहिए, कुंडल होना चाहिए, ये होना चाहिए, अभी तक सजा से सजा, ऐसे श्रृंगार रस है भगवान का जो स्वरूप दर्शन है, स्वरूप का चिंतन है, अब सब आसान खुद ही आ जाते, तो आसान हो गया, सोचा छोड़ेगा, जैसे ही उसके संपर्क में जाएंगे बिजली के तार के छूने तो क्या होगा, कई बार हमें भी हुआ है, आपको भी हुआ होगा, सबको ऐसे ही जब चित्त के संपर्क में जाएंगे तो झंझराएगा नहीं, सनसनाएगा नहीं, पातंजल ऋषि जो योग के महापुरुष माने, उन्होंने पातंजल ऋषि ने पहला श्लोक लिखा योग के बारे में, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा, योग क्या है, चित्त की वृत्तियों को शोधन कर, शोधन अर्थात साथ संपर्क में आने, चित्त की वृत्तियों के साथ संपर्क में आने, निरोध योग क्या है, चित्त के संपर्क में चला, चित्त के सानिध्य प्राप्त और चित्त के संगति प्राप्त कर, दूध निर्विकार है फिर भी दूध को गर्म किया जाता है,
में घी है, उस दूध को गर्म करने के बाद फिर उसमें जामन, खट्टी जामन डाली, फिर वो जम करके ठंडा होता है, फिर उसका मंथन होता है, मक्खन निकलता है। अब देखिए दोबारा जला वही दूध, वहां एक बार जला, दोबारा और जले, और बहुत अच्छी तरह से जलाई जाती है, तब जाकर के घी प्राप्त। दूध स्वयं में स्वादिष्ट, लेकिन उस दूध के साथ इतनी प्रक्रिया क्यों की? ठीक है, ये और भी स्वादिष्ट है। राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, हरि के नाम मिसरी गोर गोर। घी गोपाल नाम की, गोपाल जो गौ का पालन करते हैं, तो दूध स्वयं में सक्षम है, सब चीज कर देता है, सारी पौष्टिकता है उसके अंदर, जैसे कि आप सभी सब ठीक है, पौष्टिक है, पूर्ण है, लेकिन बिना गर्म किए स्वाद नहीं आता, बिना गर्म किए गर्म अर्थात आपको साधना तो अब उस साधना किए हुए दूध अर्थात आप में गुरु जी खट्टा खट्टा जामन, गुरु क्रिया कर बच्चा, गुरु मंत्र जप बच्चा, ये कर बच्चा, वो कर बच्चा, तब आप जाके दही बनते हैं, जय गुरु। मैं थक गया, सही अर्थात सब तरफ से थक के एक जगह जम गया, थका हो, तब गुरु जी बोलते हैं अरे अब तो इसमें से मक्खन निकलेगा भाई। सब डालते हैं मक्खानी और जय गर्म, फिर आती है मक्खन। क्या बात है सरकार जी, उससे भी काम नहीं चलता, उससे भी आप लोग तैयार नहीं हो, उसके बाद तो फिर जो होती है कुछ लोग तो मक्खन खा के ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो सिद्ध है जानकार वो तो नहीं खाते, मक्खन भी खाते हैं, देखिए जो समझदार है जो चित्त के साथ है, दूध भी पिएंगे, दही भी खाएंगे, घी भी, मक्खन भी खाएंगे और घी भी, घी भी बनाएंगे और घी को भी खाएंगे, तब तो वो पक्के हैं, सिद्ध हैं, और नहीं तो बाकी सब सिद्ध हैं। इस प्रकार से साधना द्वारा अपने आप को साधिए, मन को साधने की जरूरत नहीं है, अपने आप अलग करो, अर्थात बाबा ने बोला मन से अपने को अलग करो, अर्थात मन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसे अलग करो। ईश्वर की भी आराधना करता है ये भी, उसमें भी उसका अहंकार, हर चीज में अहंकार, फिर से अब एक ने भगवान को गुलाब का फूल चढ़ाया, फिर माला चढ़ा दिया, फिर इसके गुलाब चढ़ा, मैं तो चमेली चढ़ा, ये ईर्ष्या भक्ति, भगवान को क्या आवश्यकता उससे मतलब नहीं। तो दूध की तरह गर्म होकर
जैसे ही उसके संपर्क में जाएंगे बिजली के तार के छूने तो क्या होगा, चंदन आ जाता है। कई बार हमें भी हुआ है, आपको भी हुआ, सबको। ऐसे ही जब चित्त के संपर्क में जाएंगे तो झंझर आएगा नहीं, सनसन आएगा नहीं, पातंजल ऋषि जो योग के महापुरुष माने जाते, उन्होंने पातंजल ऋषि ने पहला श्लोक लिखा योग के बारे में, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को शोधन करके, शोधन अर्थात साथ संपर्क में आ, चित्त की वृत्तियों के साथ संपर्क में आ, निरोध अपने आप। योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है? चित्त के संपर्क में चला, चित्त के सानिध्य प्राप्त और चित्त के संगति प्राप्त कर। दूध निर्विकार है, फिर भी दूध को गर्म किया जाता है। दूध में घी है, उस दूध को गर्म करने के बाद फिर उसमें जामन, खट्टी जामन डाली, फिर वो जम करके ठंडा होता है, फिर उसका मंथन होता है, मक्खन निकलता है। अब देखिए दोबारा जला वही दूध, वहां एक बार जला, दोबारा और जले, और बहुत अच्छी तरह से जलाई जाती है, तब जाकर के घी प्राप्त। दूध स्वयं में स्वादिष्ट, लेकिन उस दूध के साथ इतनी प्रक्रिया क्यों की? ठीक है, घी और भी स्वादिष्ट है। राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, हरि के नाम मिश्री भोर भोर। घी गोपाल नाम की, गोपाल तो गौ का पालन करते हैं, तो दूध स्वयं में सक्षम है, सब चीज कर देता है, सारी पौष्टिकता है उसके अंदर, जैसे कि आप सभी सब ठीक है, पौष्टिक है, पूर्ण है, लेकिन बिना।